स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कि आप ड्यूरिंग मोमेंट, ड्यूरिंग एक्टिविटी आप मैनेजमेंट सीखो। अब किसी से अगर मान लो लड़ाई हो रही है या किसी से हाइपर डिस्कशन हो रहा है, तो वहाँ पे आप हाइपर मोमेंट को मैनेज करो रेदर देन वहाँ पे लड़ करके फिर आओगे घर पे और घर पे आकर के मेडिटेट करोगे। ये बहुत अच्छा तरीका नहीं माना जाता। जितने भी मास्टर्स होते हैं वो ड्यूरिंग प्रेजेंट मोमेंट हैंडल सिचुएशन को, जैसे भगवान राम मान लो रावण से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कोई गंदी लैंग्वेज बोले हुए नहीं, बट लड़ाई लड़ने के बाद भी उनको घृणा नहीं हुई। ऐसा किताबों में लिखा है कि लक्ष्मण को बोलते हैं कि आप नॉलेज लेके आओ, जबकि दुश्मन को मारने के बाद लोग चीरा फाड़ी करने लगते हैं, कोई ब्लड पी रहा है तो कोई क्या कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। पर उनका तरीका देखो कि आप युद्ध भी कर रहे हो लेकिन उसमें भी इथिकल हो, उसमें भी मैनेजमेंट कितनी अच्छी है। ऐसे ही लोगों को हम गॉड का दर्जा देते, ऐसे लोगों को हम भगवान का दर्जा देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रेजेंट सिचुएशन को हैंडल कर लिया, प्रेजेंट सिचुएशन को छोड़ करके दूसरे सिचुएशन पे नहीं गए मैनेज करने के लिए, डाइवर्ट नहीं किया उसी दौरान उसी समय। जैसे ब्रीदिंग में हम लोग ब्रीद आउट कर रहे होते हैं या ब्रीद इन कर रहे होते हैं, तो अब ब्रीद आउट के दौरान ही हमें रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। 99.9% जितने भी प्राणायाम करने वाले लोग होते हैं वो प्राणायाम के बाद में एंजॉय करते हैं, अब मिल गया जन्नत। 99.9% लोग प्राणायाम के बाद एंजॉय करते हैं, आसन के बाद एंजॉय करते हैं। अरे आसन के बाद क्या एंजॉय कर रहे हैं यार, आसन के दौरान क्यों नहीं किए? तो इसका मतलब है कि उनकी जो मेंटल सेटअप है उसे चेंज करो। वो जो हैंडलिंग, वो मैनेजमेंट, वो पीस ड्यूरिंग प्रेजेंट मोमेंट में वो करो। योग ये सिखाता है, योग डाइवर्जन कभी नहीं सिखाता। तो यहाँ तक कि अगर आप देखो तो ब्रीदिंग करते समय मैं तो आप लोगों को खुली छूट देता हूँ कि जितना एक्सप्लोर करो। जब आप ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे, पढ़ोगे, ऐसे लोगों को देखोगे, तो पता चलेगा कि कैसे कैसे लोग हैं उस दुनिया में गुरु, कि वो किस तरीके की ट्रेनिंग दे रहे हैं प्राणायाम की, मेडिटेशन की, ध्यान की। तो ध्यान में क्या सिखाते हैं जरा देखो, स्ट्रेस को कैसे रिलीज करा रहे हैं। बैठ जाओगे, अब आपके स्ट्रेस रिलीज कराएंगे कल्पना करा के, इमेजिनेशन करा के रिलीज कराएंगे। कोई ऐसा मेथड उनके पास नहीं है एक्सपीरियंस्ड मेथड, लेकिन उन्होंने भी किसी और से सीखा तो कॉपी कर लिया। उनको वो भी नहीं पता कि उससे रिलीज हो रहा है, उन्होंने कॉपी किया है। तो एक इमेज से किसी आदमी को परेशानी हुई तो एक दूसरी इमेज पकड़ा दिया। मान लो एक लड़की है, हमें उससे परेशानी हो रही, उसके बारे में नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, एक गुरु आए उन्होंने कहा ये माँ है इसे माँ बना दो। अब जरा देखो, एक थॉट से आपको परेशानी हुई तो दूसरा थॉट लपेटो, अंडरस्टैंडिंग नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। रेदर देन प्रॉब्लम का रियलिटी में अगर सोल्यूशन निकालना है तो अंडरस्टैंडिंग प्रोड्यूस करना है, लपेटना थोड़ी ना है आप। आपको तो ये बताना चाहिए कि बेटा जो ये प्रॉब्लम आ रही है इसका मतलब कि तुम्हारे अंदर सेटिस्फेक्शन की कमी है, तुम्हारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो अंदर सोल्यूशन ढूंढो। कोई अगर मान लो माँ बना रहा है, कोई बहन बना रहा है, कोई बता रहा है कि ये तो चुड़ैल है, तो इसे होगा क्या? थॉट में ही तो घूम रहे हैं, और आएगा थॉट, राइट? तो और ज्यादा डोमिनेट करेगा ना। तो पॉजिटिव थॉट या कोई एक थॉट को मारने के लिए दूसरा थॉट, या एक एक्शन को मारने के लिए दूसरा एक्शन, एक थकान को खत्म करने के लिए दूसरा एक्शन करोगे, ये परमानेंट नहीं। इसीलिए इंस्टेंट, इमीडिएट, तो आपको मूवमेंट पर देखना। तो अगर आप मूवमेंट पे कंट्रोल कर लिया तो ऑफिस में जैसे रहोगे, घर में पहुंचोगे तो घर में एंजॉय करना शुरू कर दोगे, बच्चों के साथ एक्टिविटी में आपको एंजॉयमेंट मिल गया ना, क्योंकि वहां एक्टिविटी कर रहे थे, उस एक्टिविटी को उस तरीके से एंजॉय कर रहे थे। अब घर में आए तो घर में एंजॉयमेंट, आपको एक्टिविटी चाहिए, तो एक्टिविटी घर में मिली तो घर में शुरू हो जाओगे, तो टूट नहीं पड़ोगे भोजन पर, टूट नहीं पड़ोगे टीवी पर, है ना, क्योंकि आदमी तो वहाँ स्ट्रेस में आया, यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन निकालने लगा। कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन निकालने लगते हैं ना, जैसे खटखटाएंगे, घर पे आए नहीं कि वो उनके बेल बजाने के तरीके से ही मालूम चल जाएगा कि स्ट्रेस में है आज बंदा, 5 बार धड़ लगा देगा तो लग जाता है कि हाँ यह हाइपर हो चुका है, ये इसके बॉस ने या तो पिटाई किया है या तो कुछ किया है। तो कहने का मतलब है कि
आदमी की एक्टिविटी के दौरान ही स्ट्रेस को रिलीज करना सीखना है। मेडिटेशन योग का यही पर्पज है और कोई पर्पज नहीं। हाँ, अब हम अलग से एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं योग और मेडिटेशन का कि और हायर लेवल की इंक्रीज करें। वो हायर लेवल के लिए दिया जाता है, वो ये नहीं कि बचने के लिए दिया जाता है। लोगों ने उसे बचने के लिए सब्स्टिट्यूट।